हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो मेरा क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट इज द योर सब्जेक्ट नेम, ये पूछा जाता है फ्रेशर को कि ये जो सब्जेक्ट है तुम्हारे, लास्ट जो आपने क्वालिफिकेशन किया है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट थे। एक्नॉलेज पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए। योर फेवरेट टॉपिक, आपका टॉपिक क्या था। अबाउट डोजेस फॉर्म, डोजेस फॉर्म के बारे में क्या जानते हैं, जैसे कैप्सूल है, टेबलेट है, इंजेक्शन है, तो क्या होते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। डिफाइंड हार्डनेस, हार्डनेस क्या होता है, जैसे वाटर का है तो वाटर का हार्डनेस क्या होता है, ये पता होना चाहिए डिफाइंड हार्डनेस में। नेक्स्ट है आपका डिफरेंट बिटवीन द डिजोल्यूशन एंड डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन और डिजोल्यूशन में क्या डिफरेंट है इसके बारे में पता होना जरूरी है। नेक्स्ट है आपका HCl, NaOH, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, मोलिकुलर वेट, इनका सबका मोलिकुलर वेट और फॉर्मूला भी पता होना जरूरी है। नेक्स्ट है टेल मी वन बफर सॉल्यूशन नेम, एक बफर सॉल्यूशन का नाम पता होना चाहिए, बफर सॉल्यूशन के नाम पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका टेल मी फाइव बेस एंड एसिड केमिकल नेम, मीन्स आपको फाइव जो बेस होंगे और फाइव जो एसिड होंगे उनके नाम बताने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज द केमिस्ट्री, केमिस्ट्री किसे कहते हैं इसकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है हु इज द कॉल फादर ऑफ द केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का जो फादर है उसे किसे कहा जाता है। नेक्स्ट है टेल मी सम ग्लासवेयर नेम, कुछ ग्लासवेयरों के आपको नाम पता होना चाहिए, जैसे बीकर हुआ, पिपेट हुआ, इस टाइप से कुछ ग्लासवेयर के नाम होना पता होना जरूरी है। नेक्स्ट है व्हाट इज द वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन, वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं इसका भी नॉलेज होना जरूरी है। विच टाइप इलेक्ट्रोड यूज इन कंडक्टिविटी और पीएच मीटर में। नेक्स्ट है डिफाइन बिटवीन द हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। नेक्स्ट है वाटर इज, व्हाट इज द स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन किसे कहते हैं। नेक्स्ट डिफाइंड बिटवीन द टेस्ट सॉल्यूशन एंड द वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन, टेस्ट सॉल्यूशन एंड टेस्ट सॉल्यूशन एंड वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन क्या होते हैं। नेक्स्ट है एचपीएलसी फुल फॉर्म, एचपीएलसी फुल फॉर्म क्या होती है। नेक्स्ट है कार्बोक्सी एसिड, यूरिन, फिटकरी, फॉर्म, इनके सबके आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। अगर हो सके तो इसका जो भी मॉलिक्यूलर वेट है उसको भी याद करें, बट एटलीस्ट फॉर्मूला जरूर याद रखें आप। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, इसको डिफाइन करना होता है और इसकी जो भी डेफिनेशन है उसको अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए। और इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, किस टाइप, कितने टाइप की होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ओके फ्रेंड, फर्दर मोर जो क्वेश्चन है उसको मैं बनाऊंगा अभी आगे, तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू।